वाओ गाइस वाओ, क्या नजारा है भाई। रेनबो बना हुआ दिखाई देता है। वाओ, तो यहाँ पे नीचे ट्रैक करके भी आ सकते हैं वहाँ ऊपर से। तो मैं थोड़ा सा नीचे ट्रैक करके आया हूँ और हिम्मत करके मैं इसके अंदर आ तो गया हूँ। काफ़ी कम लोग हैं इसके अंदर और पानी काफ़ी ठंडा है। इन भाई ने मतलब हमसे भी ज़्यादा इंडिया घूम रखा है। अच्छा लगा इनसे बात करके। हेलो, पाइनएप्पल। डबल डेकर ब्रिज से 1 घंटा यहाँ से ट्रैक करके आएगा रेनबो फॉल्स और साथ में आएगा ब्लू लगून भी। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं। ब्लू लगून में हमारा वहाँ पे स्विमिंग करने का प्लान है। तो देखते हैं जो भी होता है। रास्ते में आपको चलते चलते ऐसे ऐसे काफ़ी सारे ब्रिजेस दिखाई देंगे जिसके नीचे आपको काफ़ी सुंदर सा एक झरना टाइप देखने को मिल जाएगा। मतलब रिवर फ्लो कर रही होगी। भाई ब्लू लगून दिस साइड। आप लोग ब्लू लगून हो के आए? हो के आए ब्लू लगून? कैसा है? अच्छा है। रेनबो फॉल्स भी गए थे? नहीं, वहाँ नहीं गए। वो आगे है, बहुत दूर है। हाँ, बहुत दूर है। और 1 घंटा जाना चाहिए। ओके, नहाने का स्विमिंग करने का है स्पॉट वहाँ पे? क्लियर पानी है ब्लू। ओ वाओ, वहाँ पे वो मिल जाएगा? मिल जाएगा। ओके थैंक यू। ऐसे जाना है वहाँ? सीढ़ी है, लैडर है। ओके, वो लैडर से। आप लोग कहाँ से? मैं दिल्ली से। दोनों? हाँ हाँ, नहीं ये भाई उत्तराखंड से है। आप लोग कहाँ से? केरला। ओके, ये रास्ता जितना देखने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो कोशिश करना कि आप ड्रंक होके मत आना, क्योंकि अगर आप ड्रंक होके आओगे थोड़ा भी तो आपके गिरने के चांसेस 90% से ज़्यादा है। एक बार दोबारा बोल दो, एंजॉय 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 बोलो। एंजॉय एंजॉय। ओके, एंजॉय ब्रो। थैंक यू। रेनबो डायरेक्ट और रिटर्न में ब्लू लगून? रिटर्न में रेनबो डायरेक्ट और रिटर्न ब्लू लगून। ओके, पहले रेनबो, पहले ये ब्लू लगून, रेनबो इधर से बाद में। ओके, फर्स्ट ब्लू लगून देन रेनबो। यहां से ऊपर में है रेनबो फॉल्स, तो सबसे पहले चलते हैं ब्लू लगून की तरफ। वो बोला कि रेनबो पहले जाओ, वापसी में ब्लू लगून आओ। थके आ रहे होंगे या डूब जाए, कूद जाएंगे सीधा, बेटर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ना पानी में जाके आलस आएगा थोड़ा, उसके बाद चेंज वेंज करके। सो गाइस, प्लान एक बार चेंज किया थोड़ा सा और सबसे पहले चलते हैं रेनबो फॉल्स की तरफ। भैया रेनबो कितना दूर है? रेनबो कितना देर? हाउ मच मिनट? 25 मिनट्स मोर। अभी स्पीड है। हाँ, स्लोली स्लोली आधा करना। ठीक है, आओ अभी चलते हैं आगे। सेंटर सेंटर। इफ वी हैव सम फ्रेंड्स कमिंग वी विल टेल देम योर नेम। ओके ओके, एक्चुअली वी वर ऑन टाइट बजट, दैट्स व्हाई वी डिडंट टेक एनी टूर गाइड। ओके, मे बी नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम। ओके, come maybe next time you will be here, we will hire you. come chalega na? okay total kitne staircase hai niche se lekar yahan pe rainbow tak? 5500. okay, double decker aur double decker 3500. 3500 3500 hai double decker ke liye aur 5500 hai 2000 baki yahan pe rainbow falls ke liye 1000 baki. okay, ye double decker blue lagoon 1000. okay, ye ब्लू लगून रेनबो 1000. ओके, वाओ गाइस वाओ, क्या नज़ारा है भाई। नीचे जो पानी दिख रहा है बहुत ज़्यादा ब्लू दिख रहा है। मैं आपको नीचे चल के नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत मस्त है। ये है रेनबो फॉल्स, आपको ऊपर से दिखाई दे रहा होगा, ऊपर से फॉल्स नीचे तक गिर रहा है यहाँ तक। ये नीचे ब्लू कलर का पानी, बहुत मस्त लग रहा है। मैं तो रोंगटे खड़े हो गए। ओके, नहीं रेनबो बना हुआ दिखाई देता है। वाओ, मुझे नहीं पता कैमरा पे ये रेनबो आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, पर ये नेकेड आई से काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे आके इतना सुंदर देखने को मिलेगा। कैसा लगा आपको? पसंद है? मैं दिल्ली से हूँ, मेरी फर्स्ट टाइम है।
ब्लू लगून में जाके करोगे आप स्विमिंग? कहाँ से आप लोग? बिहार से। ओके, इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर? इस वाले पानी को पी तो नहीं सकते ना? हाँ, यहीं से लाते होंगे। हिंदी नहीं आती? You're good? Okay. What are you doing here? Waiting here. Waiting here? Yes. For whom? For people. For people. Here it's not allowed to sing. It's not allowed to sing. Yes. It's allowed or not allowed? Not allowed. Not allowed. So you're just watching. Somebody accident here. Okay. So you're just watching that nobody comes here and swim. How much deep is this? It's very deep. How much? I don't know. Oh, it looks very amazing. Mm. They told you that they will pay you if you stay here to and watch people. So guys, ये है रेनबो वाटरफॉल। तो यहाँ पे नीचे ट्रैक करके भी आ सकते हैं, वहाँ ऊपर से। तो मैं थोड़ा सा नीचे ट्रैक करके आया हूँ, मतलब नीचे आया हूँ, और काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। गाइस, कैमरे पे शायद आपको ये जो यहाँ पे रेनबो बना हुआ दिखाई दे रहा है, रेनबो शायद आपको नहीं दिखाई देगा, पर मतलब देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप अपने आप यहाँ पे आएंगे तो आप अपने आप जान जाएंगे कितना सुंदर है ये जगह। सो गाइस, ये था रेनबो फॉल्स। अब चलते हैं ब्लू लगून की तरफ। तो ब्लू लगून में जाके अब सारा टाइम वहीं पर अब लगाएंगे, और ब्लू लगून मैं आराम से स्विमिंग करेंगे। सो गाइस, ये है ब्लू लगून। तो पहुंच गए हम ब्लू लगून में। भैया, एक जैकेट दे दो। वन जैकेट? हाँ हाँ। अगर मैं अपना सामान यहाँ रख दूँ, सेफ है? सामान सेफ है? ओके। तो यहाँ पे जो लाइफ जैकेट है वो 100 की है, तो मैंने एक लाइफ जैकेट ले लिया। तो अभी अंदर चलते पानी के। तो हिम्मत करके मैं इसके अंदर आ तो गया हूँ। काफ़ी कम लोग हैं इसके अंदर, और पानी काफ़ी ठंडा है। मुझे नहीं आती है। गुड लेक उसका फुल फ्लोट आ रहा है, वहाँ पे बीच में वो जा सकते हो लेक, अगर जा सकते हैं। हाँ जाओ लेक, वहाँ पे बीच में एक बड़ा पत्थर ही है, जाके बैठ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है और स्विमिंग नहीं आते। तो गाइस, कैसे ना कैसे करके मैं इतने दूर से यहाँ तक स्विमिंग करके तो आ गया हूँ। स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती, फिर भी कोशिश करी है। और सामने यहाँ पे वाटरफॉल है, यहाँ पे नीचे एक पत्थर है, उस पत्थर पे बैठ गया हूँ ऐसे। तो अभी कोशिश करता हूँ कि उस वाटरफॉल के नीचे जाने की। डर लग रहा है वैसे तो, साथ में कोई भी नहीं है इस वजह से। आपको स्विमिंग आती है? यू नो स्विमिंग? यू नो स्विमिंग? देन इट्स इजी फॉर। सो इरिटेटेड विद दिस? हां, आई फील सो इरिटेटेड। इरिटेटेड विद दिस जैकेट? जैकेट, या आई एम आल्सो कमिंग देयर। आई एम आल्सो कमिंग देयर। ऐसे साइकिलिंग करके काफ़ी आसान है स्विमिंग करना। Yeah.
बहुत ही मुश्किल था, अब यहाँ से वापस जाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी रॉक से मुझे जंप करना पड़ेगा। इस तरीके से पैडलिंग करके कोशिश करूँ वापस आने की, पानी में और कोई भी नहीं है मुझे बचाने के लिए। मुझे आता नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी कर जा रहा हूँ। हेलो हेलो वेयर इज द मॉम? हेलो, डू यू हैव अ होम स्टे हियर? हाउ मच इज दैट? इट्स टू स्टे फॉर टुडे, फॉर वन डे, 450? कैन आई सी द प्लेस? ओके, दिस इज नाइस। कैन आई सी द वॉशरूम? Do you have a hot water available? Hot water, you have to cook on the fire. Okay. This one and this one. It's a toilet. Okay, okay. If you want to take bath, you have to go down. ये कौन है? ये तो मैंने देखी नहीं। What's the name of this cat? I don't know. This one also for 50? Yes. तो गाइस आज की रात हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे, जो डबल डेकर रूट ब्रिज है उसके जस्ट साथ में ये वाला होम स्टे। तो आपको आराम से कैप निकालो ना, आंखें नहीं दिख रही है सब बैटमैन जैसे। चलेगा। सो गाइस आज की रात हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे, तो डबल डेकर रूट ब्रिज के पास में ये वाला होम स्टे है। तो अगर आप भी आते हो तो आपको आराम से यहाँ पे होम स्टेज मिल जाएंगे 450 के आसपास, 500 के आसपास। तो अभी यहाँ पे एक हॉस्टल टाइप है, तो यहाँ पे एक और भाई मिला है जो कि जापान से है। डोंट से हाय, हाय, व्हाट्स योर नेम? मासा। मासा, ओके, सो यू ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया? यस, ऑलमोस्ट। सो ये भाई है जो मतलब जापान से है, ये पूरा इंडिया घूम रहे हैं। इन भाई ने मतलब हमसे भी ज़्यादा इंडिया घूम रखा है, मतलब मेरे से भी ज़्यादा। तो अच्छा लगा इनसे बात करके, तो अब आपसे मैं कल मिलता हूँ। छोटा सा बच्चा बर्तन मांज रहा है। ओ भाई, प्रोफेशनल वे। तो निकल गए अपने होम स्टे से। तो अगर आप भी आते हैं यहाँ पे तो मैं आपको होम स्टे का नाम दिखा देता हूँ, शिप्रा होम स्टे। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, सिर्फ 500 पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे बुकिंग मिल जाएगी। यहाँ पे वैसे तीन तीन बिल्लियाँ हैं। तो बाय 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 बाय, ओके बाय बाय, ओके बाय, थैंक यू। तो सबको बाय बाय करके निकल गए अब। ये वाला होम स्टे सिर्फ आपको इस डबल डेकर रूट ब्रिज के जस्ट साथ में मिल जाएगा। डबल डेकर रूट ब्रिज को ही बाय बाय। अब चलते हैं वापस अपने उस होम स्टे की तरफ। ओके बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। आई सॉ यू इन द रौनक्स वीडियो। अच्छा, हाँ हाँ, तभी मैंने आपको रोक लिया। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी हम वापस जा रहे हैं ऊपर। हाँ, डबल डेक सिंगल सब हो गए सर। डबल डेकर सिंगल डेकर, नीचे जाके आपको ब्लू लगून, रेनबो, वाटरफॉल सब दिखेगा। आई थिंक वो तो डबल डेकर से आगे जाना पड़ेगा। हाँ डबल डेकर से, पर आज कर सकते हो? आज कर सकता हूँ एक ही टाइम में। ठीक है, सुनते हैं अगर ये। हाँ नहीं, करेगा करेगा, बहुत अच्छा लगा सुन के ना। भाई को मैंने रौनक भाई की वीडियो में देखा था, मॉन्की मैजिक। तो अभी वापस टैक्सी स्टैंड पहुँचने के लिए 3400 स्टेज दोबारा वापस चढ़नी पड़ेगी। तो देखने में वैसे डर लग रहा है, इतनी ज़्यादा स्टीप है, पर करना तो पड़ेगा। वीडियो बना रहे हो? हाँ। व्लॉग? व्लॉग नहीं, हाँ, जस्ट अ वीडियो। ओके, खुद के लिए। ओके, कितना नीचे है? ये स्टेज उतर के जाओगे तो सिंगल डेकर आएगा। यहाँ एक फॉल्स भी है ना?
फॉल्स है बहुत आगे। टोटल 4000 स्टेप है ना, 5500 रेनबो फॉल्स तक। ओके एंजॉय। मेरे है मेरे और चैनल है यूट्यूब में टेक्निकल का। ओके नाइस, क्या नाम है उसका? है कलकत्ता ईवी व्हीकल। कलकत्ता ईवी व्हीकल। ओके नाइस। हेलो, पाइनएप्पल हाउ मच इज पाइनएप्पल? 10 rupees। 1 फॉर मी आल्सो। 10 rupees थैंक यू। हाय ब्रो। हाय ब्रो। हे कीपर कम। हां जी एंजॉय 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 ब्रो। सिग्नल बनाना, ये बहुत अच्छे गाइड हैं, बहुत अच्छे गाइड हैं। जाके आए आप लोग? हाँ, हम लोग वापस आए। कितने रेट हैं, कितने किलोमीटर होता है? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर लो भाई। चलो फॉलो में हर्ट किया था। चलो भाई, हाँ हमने बीच में स्टे किया था, ज़्यादा नहीं है, एंजॉय करोगे। सॉल्ट प्लीज। बरोबर आहे, परंतु ते आपले आपण जी माहिती घेतली ना मागे, थैंक यू। ब्लूटूथ थ्रो दिस, थैंक यू। इस गांव में वैसे मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं। मतलब हर शॉप में मैंने कुछ बच्चे देखे हैं जो काम करते होते हैं। मैंने इंडियन टूरिस्ट गो टू स्ट्रिप एंड या इट्स रियली एंड एरोटिक मसाज इट्स रियली नियर रेड स्क्वायर। नियर रेड स्क्वायर या। व्हाट्स योर नेम? यूलिया। एंड योर्स? सर्गे। Andamans and Nicobar. Oh wow, best place. Oh, I've never been there. We travel India only Goa 5 times. Five times, yeah. 5 times. For Russians, it's the best place to go. Five. Okay, Canada. Ando te taake jana mai ja te. Acha, aap log Haryana se ho kya? नहीं, पंजाब से है भाई। अच्छा, पंजाब से हो? हाँ जी, रहते हैं यहाँ पे शिलोंग में। अच्छा, यहाँ शिलोंग में रहते हो? यार हमारे को सोहरा तक छोड़ दो तो कितने, हम क्योंकि हमने शेड से ज़्यादा नहीं है तो सोहरा। हज़ार तो बहुत बता रहे हैं। हज़ार तो बहुत है, मतलब ये लोग ही हमारे से 600 ले रहे हैं तो हम 500 दे रहे हैं। 500 दो भाई, यार बेच हो गया। चलो ड्राइवर, थैंक यू, वी विल सी दैट। सो गाइस, यहाँ से जाने के लिए हमें मिल गई है एक टैक्सी 400 में, जो कि हमारे हॉस्टल तक छोड़ देगी। आप लोग शिलोंग रहते हैं? आप लोग यहाँ पे घूमने आए थे? कौन सी जगह? मैं तो उत्तराखंड से आया हूँ, ये भाई दिल्ली से है, ये कोलकाता से। तो यहाँ के मिले आप लोग? हाँ, हॉस्टल में। सही सही सही, बढ़िया। यहाँ पे का बिजनेस वगैरह करते हो? हाँ, बिजनेस वगैरह करते हो यहाँ पे? हम लोग ये टूरिस्ट कैब चलाते हैं। अच्छा, और पापा यहीं पे सर्विस है उनकी। अच्छा, पापा पुलिस में है, तो अपने पंजाब के कुछ लोग मिल गए थे, उन्होंने यहाँ तक ड्रॉप कर दिया। मतलब उन्होंने वैसे जाना तो इसी साइड से था, वो लोग टैक्सी चलाते हैं तो उन्होंने मुझे हमें यहाँ तक छोड़ दिया और सिर्फ 400 rupees लिए। तो टैक्सी से तो मतलब ज़्यादा बेटर ही लगा। सो गाइज, वेलकम बैक टू द हॉस्टल। हॉस्टल वापस पहुँच गए। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी बाय गाइस, बाय बाय, सी यू इन अनदर ट्रिप।